नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। जालंधर अमृतसर मुख्य मार्ग पर ब्यास बस स्टैंड के नजदीक घनी धुंध के कारण चार वाहन आपस में टकराए, एक व्यक्ति की मौत। जालंधर कमिश्नरेट थाना 6 की पुलिस ने कुख्यात लुटेरा चेतन उर्फ मोटा को किया गिरफ्तार। 2 आईफोन सहित 8 मोबाइल किए बरामद। बठिंडा की आवा बस्ती में नशे की ओवरडोज की वजह से एक नौजवान मिला बेहोश। सहारा जनसेवा के कार्यकर्ताओं ने अस्पताल में करवाया भर्ती। और अब हलचल विस्तार से। जालंधर अमृतसर मुख्य मार्ग पर जंडियाला गुरु के नजदीक ब्यास बस स्टैंड के पास घनी धुंध के दौरान चार वाहनों की एक के बाद भयानक टक्कर हो गई। इस भयानक सड़क हादसे के दौरान ट्रैक्टर ट्राली पर सवार होकर आ रहे एक व्यक्ति की मौत हो गई है। वहीं घटना की सूचना देने के एक घंटे बाद तक भी एम्बुलेंस मौके पर नहीं पहुंची। वहीं घटना की सूचना मिलते ही थाना ब्यास के SHO यादविंदर सिंह पुलिस पार्टी सहित मौके पर पहुंच गए और मामले की जांच में जुट गए। जंडियाला गुरु से हलचल के लिए अश्विनी शर्मा की रिपोर्ट। तो कहते मुंडा कहते मकान तो पिछले गड्डी मारी पिछले जोर च आ गए वो कहते डे पै गाड़ी मंगा जी हाँ जी भट्ठे का काम करते हैं जी लेबर का काम करते हैं मगरों गड्डी वजी आ मगराट से बैठा बुड़क के टायर थले आ गया उत्तर डिगा धड़क भुड़क गया झड़क ये अज धुंध के कारण जिहड़ियां गड्डियां आपस में टकराई ने एक स्कारपियो एक ट्रक आ एक वैन जिद एक ट्रैक्टर ट्राली सी भट्ठे वाली जिद तरसेम सिंह मंगा सिंह ड्राइवर से थाना तरसेम सिंह मौके पर मौत हो गई है वो डेड बॉडी डेड हाउस पहुँचाती है बाकी बयान लेके कार्रवाई कर रहे हैं। देखो इन्हों सारे चाहिए जान नालों की प्यारा हैगा भी अपनी समर्थन स्पीड के आन जिद जरा कोई अगे जानी माली नुकसान ना हो सके मैं तो यही बेनती कराँगा भी धुंध के कारण जी है स्पीड की समर्था रखो जिद जरा है कोई भी एक्सीडेंट वगैरह ना हो सके। जालंधर कमिश्नरेट के अधीन आती थाना डिवीजन नंबर 6 की पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान कुख्यात लुटेरे चेतन उर्फ मोटा निवासी चुगिट्टी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। इस संबंधी आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ACP मॉडल टाउन रणधीर कुमार ने बताया कि थाना प्रभारी इंस्पेक्टर सुखदेव सिंह ASI सुखदेव सिंह के साथ महेंद्र चौक के निकट नाकाबंदी पर थे। इसी दौरान बाइक सवार एक युवक को रुकने का इशारा किया लेकिन वह पुलिस को देखकर पीछे की तरफ भाग गया जिसके बाद पुलिस ने उसका पीछा कर कुछ ही दूरी पर उसे काबू कर लिया। उन्होंने बताया कि पकड़े गए आरोपी चेतन उर्फ मोटा की निशानदेही पर उसके कब्जे से आईफोन 13 प्रो मैक्स सहित लूट के 8 मोबाइल बरामद किए गए हैं। पूछताछ के दौरान आरोपी ने कबूला है कि उसने अपने 2 अन्य साथियों के साथ मिलकर लूटपाट की 10 वारदातों को अंजाम दिया है। वहीं आरोपी को कोर्ट में पेश कर 2 दिन के रिमांड पर लिया गया है जिससे लूटपाट के और भी कई मामले ट्रेस होने की संभावना है। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। थाना डिवीजन नंबर 6 दी टीम ने बहुत चंगा काम किया। 8 मोबाइल फोन ट्रेस किए गए। इतने एक स्नैचर सीगा जिसका नाम सीगा चेतन, ये रहने वाला रामपुरी थाने देगा है। तो मॉल टाउन एरिया में आके इसने वक् वक् थाओं पर बहुत महंगे महंगे जो मोबाइल फोन है जिमें आईफोन 13 प्रो आईफोन इसको साड़ी टीम ने ट्रेस किया है। इसमें सुलखन हैगा और हरजीत हैगा इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट तो मेन रोल से कला चोरी करता सी और मॉडल टाउन एरिया बहुत चोरी की मॉडल टाउन ने जो 8 मोबाइल से वो ट्रेस हुए हैं। इस तो बस स्टैंड के सराउंडिंग एरिया जोड़ा है उत्थे भी 4 वारदातें इन्हें की भी ट्रेस की तो कुल 10 वारदातें ट्रेस की और पुलिस रिमांड दे करके और भी अपना ट्रेस करने की और भी कोशिश करेंगे। बठिंडा के अंदर नशे का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। रोजाना ही नौजवान नशे की ओवरडोज की वजह से मौत के मुंह में जा रहे हैं जिसके चलते बठिंडा की आवा बस्ती में नशे की ओवरडोज की वजह से एक नौजवान बेहोश पाया गया जिससे सहारा जनसेवा बठिंडा की ओर से इलाज के लिए बठिंडा के सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इस मौके पर सहारा जनसेवा के कार्यकर्ताओं ने बताया कि नव युवक की बाजू में चिट्टे की सिरिंज लगी हुई थी और वह बेहोश पड़ा था जिसे सिविल अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है।
इस मौके पर सिविल अस्पताल के डॉक्टर ने बताया कि मरीज बेहोश है और उसे चेक किया जा रहा है। तो वहीं सिविल अस्पताल की पुलिस चौकी इस मामले की जांच कर रही है। हाँ जी, मैं डॉक्टर गुरजीवन सिंह, एक पेशेंट नू लेके आए ने सहारा जन सेवा वाले। पेशेंट अनकॉन्शियस है, बेहोशी की हालत में है, तो बाकी चैक कर रहे हैं भी की कारण है उसका। तो जो उन्होंने दसण मुताबक सहारा वर्करा दे भी कोई ड्रग ओवरडोज है। मेरा नाम है रजिंदर कुमार है, चौंकी सिविल अस्पताल है। एक अनाउन बंदे सहारा वाले लैके आए ने, जिन्हें दसा भी किसी ने कोई टीका टूका लाया सी, तो जाँच कर रहे हैं। हाले होश आने बाद पूछते हैं की गलबात है, की गल हुई है। आवाबस्ती गली नंबर 3। जालंधर के मोहल्ला करार खां में आवारा कुत्तों को लेकर भारी हंगामा देखने को मिला। दरअसल आवारा कुत्तों को लेकर दो पक्षों में टकराव हो गया। इस दौरान दोनों पक्षों में पहले तो काफी बहसबाजी हुई, लेकिन कुछ ही देर में दोनों पक्ष एक दूसरे से हाथापाई करने लगे, जिस कारण 3 युवक घायल हो गए। घायल युवकों के सिर पर गंभीर चोटें आई हैं, जिन्हें उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वहीं इस घटना की CCTV फुटेज भी सामने आई है, जिसमें देखा जा सकता है कि दोनों पक्षों की ओर से आवारा कुत्तों को लेकर जमकर हाथापाई की गई। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की ओर से बढ़ रही संघनी धुंध को लेकर स्कूलों के समय में बदलाव किया गया है। पहले जहां स्कूल खुलने का समय 9 बजे था, और अब स्कूल 10 बजे लगेंगे। ये बदलाव पंजाब के मुख्यमंत्री द्वारा 21 दिसंबर से लेकर 21 जनवरी तक निर्धारित किया गया है। वहीं मुख्यमंत्री के इस ऐलान के बाद नाभा में स्कूल के बच्चे खुश दिखाई दे रहे हैं, और इलाका विधायक गुरदेव सिंह देवमान की ओर से मुख्यमंत्री के इस प्रयास का विशेष तौर पर धन्यवाद बात किया गया। नाभा से हलचल के लिए राहुल खुराना की रिपोर्ट। पंजाब दे विच बहुत सारे फोन आ रहे थे कि पिछले 2-3 दिनों तो लगातार धुंध पै रही है, और जिदे करके साढ़े नाभा विधानसभा दे विच कल एक्सीडेंट हुआ, जिदे विच 3 जना की मौत हो गई। ते अज ही सवेरे एक होर फोन आया कि किसी टीचर की डैथ हो गई है धुंध करके। सो नाल दी नाल सीएम साहब ने अपडेट दी, और सीएम साहब ने नाल दी नाल ਜਿਹੜਾ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਤਾ ਅਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਧੁੰਦ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੇਮ ਸੀਗਾ। ਸਕੂਲ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਧੁੰਦ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਵਿਜੀਬਿਲਿਟੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ। जालंधर के लतीफपुरा इलाके में जालंधर इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के अभियान के दौरान ऐसी समुदाय के घरों के लोगों को ढाई जाने के बाद बेघर हुए इन लोगों को भीषण ठंड में हो रही कठिनाई का कड़ा नोटिस देते हुए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष विजय सांपला 21 दिसंबर को लतीफपुरा में पीड़ित अनुसूचित जाति के परिवारों से मुलाकात करेंगे। लगभग 11:30 बजे लतीफपुरा पीड़ित ऐसी परिवारों से बातचीत करने और उनकी परेशानियों का संज्ञान लेने के बाद विजय सांपला सर्किट हाउस में जालंधर प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ प्रभावित दलितों की मुश्किलों को दूर करने के संबंध में बैठक करेंगे। आयोग को श्री गुरु रविदास संघर्ष समिति से हाल ही में इस संबंध में शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसमें अनुसूचित जाति के लोगों के घरों को गिराने का मामला उठाया गया था। शिकायत के अनुसार अनुसूचित जाति के लोगों को कोई पूर्व सूचना दिए बिना राज्य सरकार ने मकान तोड़ने का ये अभियान चलाया था। शिकायत के बाद आयोग ने पंजाब के मुख्य सचिव व पुलिस महानिदेश के साथ जालंधर के आयुक्त, नगर निगम आयुक्त और उपायुक्त से इस पूरे मामले की जांच करने और उक्त मामले में तथ्यों पर आधारित की गई कार्यवाही करने की रिपोर्ट भेजने को कहा था। पिछले दिनी लतीफपुरे के उत्ते की गई कार्रवाई तो बाद जिते सियासी पार्टियां लतीफपुरे के लोगों नाल गलबात करने लई पहुँच रही ने, उत्थे ही पिछले दिनी श्री गुरु रविदास संघर्ष कमेटी के प्रधान ते BJP के सीनियर लीडर रॉबिन सांपला पहुंचे सी। इसी उत्ते गलबात करने लई साडे नाल मौजूद है रॉबिन सांपला। रॉबिन सांपला जी, पिछले दिनी तुसी लतीफपुरे पहुंचे सी, लोगों का दुख साझा किया सी, लोगों ने अपना दुख तुहानू दस्सिया सी, की लोगों ने अपना दुख दस्सिया सी? सब तो पहला तुहाडा बहुत बहुत धन्यवाद दैनिक सवेरा दा, कि जो तुसी साडे गरीबां दलित समाज की आवाज़ पूरे विश्व तुसी पहुँचा रहे हो, तुहाडा बहुत बहुत धन्यवाद। असी लतीफपुरे जो मंदभागी घटना जलंधर विच उहदे संबंध सानू उत्थे लोगों ने साडे जो असी समाज के लोग सी उन्होंने सानू संपर्क साधिया साडे नाल, असी उन्हां दी
सार लैन गया और जाके देखिया कि इन्ना माड़ा माहौल उत्थे कि जिहड़े लोग ही घर अपने उन्होंने पक्के मकान बने हुए सी, उन्होंने घर बने हुए सी, उन्होंने घर ढा दिते गए और वो कचरे और कूड़े दे उपर सौण लई बैठण लई मजबूर हो गए। इन्नी सर्दी कोहरा पै रहा, लोग घर भी दो दो रजाइया लैके बैठे ने, तो अज साढ़े समाज के लोग उत्थे कूड़े कचरे के उपर मंजे विछा के अपने दो दो साल के बच्चों नाल लैके उत्थे बैठे ने, जिन्हां दे उपर तरस आ रहा, रोना आ रहा कि एहो जिही जिहड़ी साढ़े जलंधर प्रशासन वालों जो इन्होंने माड़ा उन्होंने होया असी उहदी सार लैण गया सी। और मैं गुरु रविदास संघर्ष कमेटी का मुख्य अध्यक्ष होण का सेवादार होण दे नाते मैं अपनी कमेटी वालों और उन्हों का जिहड़ा मंग पत्र सीगा वह माननीय श्री विजय सांपला जी जो कि चेयरमैन एससी कमीशन भारत सरकार ने उन्होंने अगे मैं गुहार लगाई सी, बेनती लगाई सी कि साढ़े गरीबों की सार लो, साढ़े गरीबों का आके दुख दर्द सुनो और साड़ी हकरसी कराओ। और उन्होंने उन्होंने जो उन्होंने को मेरी लैटर उन्हीं पहुँची, उन्होंने 24 घंटे के मैं बड़ा धनवादी हूँ श्री विजय सांपला जी का। मैं हमेशा उन्होंने दलित समाज के मसीहा मानता और उन्होंने हमेशा ही यह सबूत दिता कि वो दलित समाज के मसीहा बन के उन्होंने सेवादार बन के हमेशा अगे आते हैं। उन्होंने 24 घंटे एक्शन लैके उन्होंने नोटिस किया कमीशन वालों कि यदा मैनू कमीशन में ये बारे दसया जाए कि ये की सच्चाई है, की झूठ आ, की हो रहा इतने, किन्नी क जाति हुई है, किन्नी क सच होया, किन्ना क झूठ होया। और कल श्री विजय सांपला जी 11:30 बजे उस जगह का दौरा भी करेंगे। एससी भाईचारे को मिलने तो बाद तुसी सारा मामला एससी कमीशन के चेयरमैन विजय सांपला जी के ध्यान च लिया, ध्यान तो बाद उन्होंने पंजाब सरकार को एक नोटिस जारी कर दिता। हुण नोटिस जारी करन तो बाद कल विजय सांपला जी लतीफपुरे का दौरा करेंगे, उस तो बाद अलग अलग जो कह दो उच्चे अधिकारी ना बैठक की जाऊगी, उन्हों को जवाबदारी मंगी गई। इस मीटिंग दे विच कौन कौन आ रहा? विजय सांपला जी एससी कमीशन भारत सरकार वो खुद एक परसनैलिटी ने और खुद एक उन्हों की जो जिम्मेवारी आ वो आप तो आ रहे हैं। और बाकी यह आ भी उन्होंने जिन्हें जिन्होंने कॉल किया वो नाल मीटिंग करेंगे, प्रशासनिक अधिकारी ना उन्हों की मीटिंग होएगी। इस तो बाद वो दे बारे तो सांपला जी आप दस सकते क्योंकि ये मेरे अधिकार क्षेत्र तो बाहर का सवाल है। पर मैं मानिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने भी लैटर लिखी हुई है और मैं सांपला जी अगर भी गुहार लगाई कि साड़ी गल तुसी जरूर मोदी साहब अगर रखो कि एससी भाईचारे के नाल साडा जो जनरल भाईचारा उत्थे होर भी साडा समाज बैठा आ, साडे भाई भरा भैन बैठे आ पंजाब दे, वो साडा परिवार आ, असी सारा की मदद लई गुहार लगाई सांपला जी अगे और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी अगे। सांपला जी का की समा है, कित्थे मीटिंग होएगी, किन्ने बजे लतीफपुरे पहुँचे और तुसी एक क्लीयर कर दो मीटिंग दे विच केड़े केड़े अधिकारी होंगे? मीटिंग दे विच मीटिंग तो बाद होएगी प्रशासनिक अधिकारियों नाल, वो सांपला जी दस सकणगे। और लतीफपुरा दे विच 11:30 बजे सवेरे श्री विजय सांपला जी का टाइम है कि वह लोगों के आके उन्होंने सार लैणगे। और जिहड़ा साडे को उन्होंने नोटिस किया उहदे विच चीफ सैकटरी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, डायरैक्टर जनरल पुलिस, कमिश्नर ऑफ पुलिस, कमिश्नर ऑफ म्यूनसिपल कारपोरेशन जलंधर, डिप्टी कमिश्नर ऑफ जलंधर, इन्ह दे मेरे को जो उन्होंने नोट्स भेजा उहदे विच इन अधिकारियों नूं। कुल्लू में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हेलीपोर्ट का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए पर्यटन विभाग कुल्लू ने अब जमीन तलाश ली है और जल्द ही पिरडी में हेलीपोर्ट का निर्माण किया जाएगा। इस संबंध में जानकारी देते हुए पर्यटन विकास अधिकारी सुनैना शर्मा ने बताया कि हेलीपोर्ट निर्माण के लिए पिरडी में जमीन का चयन कर लिया गया है और फॉरेस्ट लैंड होने के कारण अभी फॉरेस्ट क्लियरेंस एक्ट के तहत सर्टिफिकेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जल्द ही हेलीपोर्ट का निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। हेलीपोर्ट निर्माण से कुल्लू में आने वाले टूरिस्टों को सुविधा मिलेगी और जल्द ही हेलीटैक्स सेवा भी शुरू कर दी जाएगी। पिरडी में करीब 15 बीघा जमीन पर यह हेलीपोर्ट के निर्माण का कार्य युद्ध स्तर पर शुरू किया जाएगा ताकि जल्द से जल्द पर्यटन के लिहाज से कुल्लू को और अधिक विकसित किया जा सके।
देखिए गवर्नमेंट की हमें डायरेक्शंस आई हैं कि हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे एक हेलीपोर्ट का जो है वो निर्माण होना है, और ज़िला कुल्लू में जो है हमने पेड़ी में जो है ये स्थान इसके लिए चयनित किया है। ये एक फॉरेस्ट लैंड है, इसलिए इसका एफसीए का प्रोसेस हम इनिशिएट कर रहे हैं। और निश्चित तौर पर जब हेलीपोर्ट का निर्माण होगा तो हेली टैक्सी सर्विसेज जो है इस पर चलाई जाएंगी, और ये जो है जो दूर से जो पर्यटक आते हैं और जो सफ़र रोड से नहीं बाई रोड नहीं करना चाहते हैं उनके लिए एक बहुत एक सुविधा उनके लिए हो जाएगी, और इससे निश्चित तौर पे जो है हाई एंड टूरिज्म को जो बढ़ावा मिलेगा। देखिए अभी तो लैंड आइडेंटिफिकेशन हो गया है कंप्लीट, और क्योंकि फॉरेस्ट का लैंड है तो एफसीए में तो कुछ वक्त लगता है, लेकिन हम इसको युद्ध स्तर पे जो है वो इसका केस को हम परसू कर रहे हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि अगले 3-4 दिन में हमारा एफसीए का जो केस है वो अपलोड हो जाएगा। तो जैसे ही एफसीए की हमें परमिशन सरकार से मिलती है, गवर्नमेंट से मिलती है, उसके बाद इसका जो है कंस्ट्रक्शन का भी कार्य जो है वो शुरू कर दिया जाएगा। भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग नेटवर्क प्रोवाइडर स्टेटिक ने नेक्सस मॉल के साथ साझेदारी कर अमृतसर के नेक्सस मॉल में अपना पहला इलेक्ट्रिक वाहनों को चार्ज करने के लिए चार्जिंग स्टेशन स्थापित किया। इस अवसर पर स्टेटिक के सीईओ और को फाउंडर अक्षित बांसल ने बताया कि भारत के बाजार में जितनी भी प्रकार की इलेक्ट्रिक कारें उपलब्ध हैं, हर तरह की कार को चार्ज करने के लिए इस चार्जिंग स्टेशन में 60 किलोवाट के दो तेज ईवीडीसी चार्जर से लैस सुविधा है। यहां पर लगभग 40 मिनट में वाहनों को 80% तक चार्ज किया जा सकता है। उन्होंने अमृतसर में जो चार्जिंग स्टेशन स्थापित किया है उससे इस शहर में लोगों को आवागमन में काफी आसानी होगी, लोग अपने इलेक्ट्रिक वाहनों को बिना किसी परेशानी के चार्ज कर सकेंगे। इस चार्जिंग स्टेशन के स्थापित होने से जिनके पास इलेक्ट्रिक वाहन नहीं है वे भी इलेक्ट्रिक वाहन लेने के प्रति उत्साहित होंगे और पेट्रोल और डीजल से चलने वाले वाहनों को अलविदा कह देंगे। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। जो इतने आएंगे चार्जिंग लिए तो उन्हें देना पड़ेगा उन्होंने, बट अदरवाइज नॉर्मल जिदा कोई नहीं आता तो वो नॉर्मल पार्किंग, बिकॉज पार्किंग का की होंगे कि पार्किंग जी इतनी नीट सेफ, बिकॉज सारे जो क्राइम वो पार्किंग होंगे, इस करके अभी पार्किंग जी इतने करते हैं कोई प्रॉफिट अपने लिए नहीं कर रहे फॉर नॉर्मल ह्यूमन बीइंग ऑल्सो। तुम देखोगे 30-35 इतने गार्ड लगे हुए हैं, अजे तक सू 14 साल हो गए मॉल चलाते, एक भी यूटीजिंग केस नहीं, एक भी कोई क्राइम नहीं, क्योंकि जे आप सेफ इनवायरमेंट देंगे ना तो लोग खुशी ना लाएंगे, जो 20-25 रुपये 30 किस फर्क नहीं पैंता, पर इन्होंने बिकॉज स्पेसिफिक परपज हैगा उन्होंने कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा। आपने एक क्वेश्चन पूछा थोड़ी देर पहले कि ये बड़ा टाइम लगता है, आपको ये हमारे को ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि एवोल्यूशनरी है। पहले जब हवाई जहाज बना था तो रोटर चलते थे, ठीक है, हौली हौली तरक्की हो गई, जैट इंजन हो गया, फिर वो जैट इंजन की होर पावर वधी, हुण 200 किलोमीटर तो चला गए, हुण आपां 4-4 बैक ते पहुंच गए हैं। तो ये फैसिलिटी इसीलिए है कि ताकि उन लोगों को पता चले कि यहाँ पे चार्जिंग स्टेशन आ गया है, सो दैट दे कैन थिंक एंड मेकअप देयर माइंड टू बाय। दिल्ली से अमृतसर आते हैं तो अभी हमारे पास जो कस्टमर हैं जो आते हैं वो यहाँ पे चार्ज करते हैं, अमृतसर घूमने आते हैं, हमारे पास इस पूरे दिल्ली से अमृतसर के बीच में हमारा पूरा नेटवर्क है स्टैटिक का, तो आप जगह जगह पे आएं, आप ना रुकें, चार्ज करें आप, हम लोग पूरा इसको जितना भी हाईवे है इसको पूरा हमने कवर अप किया हुआ है। माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा हरियाणा में अलग सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के हक में फैसला आने के बाद से ही हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में चल रही कश्मकश के दौरान सिख नेता भाई जगदीश सिंह झिंडा ने श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार सिंह साहिब ज्ञानी हरप्रीत सिंह के साथ मुलाकात की। इस दौरान जहां उन्होंने श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार से मिलकर मार्गदर्शन की भूमिका अदा करने की अपील की, तो वहीं झिंडा ने हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का प्रधान सरकार के लिफाफे में से निकालने का भी विरोध किया। अज सिंह साहब को आया उन्हें बड़ा मान सरकार किया है, दो श्री साहब उन्होंने मैंने भेट किए ने, एक बुढ़ा दल का, एक अकाल तख्त साहब वालों, मैं उन्होंने तह दिल धन्यवाद करना वा, आई संगत का उन्हें बड़ा मान किया है, तो उन्होंने सानू आशीर्वाद दिता है कि झिंडा साहब मैं जिन्ना चेर असी जिन्ना चेर अकाल तख्त जहे रहेंगे साडा आशीर्वाद तेरे सिर पर रहेगा, हुण मैनू कोई दुनिया की परवाह नहीं, आपां जहेदार साहब तो सेध लेंदे हुए उन्हों का मार्गदर्शन लेंदे हुए आपां कौम की लड़ाई लड़ांगे, सिख कौम की लड़ाई लड़ांगे जिदे सारी दुनिया के सिखां की चढ़दी कला होवे, ते सिखां ते हमेशा कुरबानियां करके आजादियां लईआं, कुरबानियां करके श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बनाई, ते जे श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी भी उन्हां मसंदां कोलों छिड़वाई गई जिहड़े गुरु घरां ने बन दिंदे, ते हुण साडा इक पिछां प्रधान बनिया सी मेरे तो बाद बनिया,
अपने आप में हूँ ही प्रधान कहता है, वो मैं गुरु घर मत्था टेकन गया, ठीक है साडा हैड ऑफिस भी, तो उन्हें सारे गुरु घर उन्होंने दरवाजे बंद कर ले। मैं आख्या फिर ये तो 1920 वाला हाल हो गया। असा गुर हरियाणे की गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की होया सू संघर्ष कर साडा जोड़ा मौके का प्रधान है वो ही गुरुद्वारे साडे हैड ऑफिस के सारे दरवाजे बंद करके तो भज जाए। अज हरियाणे के सिखा का एक बड़ा वफद उतों के सिख सरदार जगदीप सिंह चींडा की अगवाई अज इतने साढ़े को आया और उन्होंने जड़िया गल् की बिल्कुल वाजब है कि सिख पंथ जोड़ा है वो सरकारी दरबारे निकली कमेटी जी है वो परवाह नहीं करेगा और असं भी इन्होंने सिखा की इस गल के सहमत हैं। बठिंडा के जोड़ा स्टेट में रह रही एक नौजवान लड़की नौकरी के लिए अप्लाई करने के बाद से लापता होने के चलते लड़की के अभिभावक काफी परेशान नजर आ रहे हैं। थाना कोतवाली में पहुंचे लड़की के पिता और मोहल्ला निवासियों द्वारा पुलिस प्रशासन से लड़की की जल्द से जल्द तलाश करने की मांग की गई है। इस मौके पर लड़की के पिता जोगिंदर सिंह ने बताया कि उनकी लड़की को किसी लड़की का फोन आया था कि इमेज अस्पताल में नौकरी के लिए अप्लाई करने जाना है, जिसके बाद उनकी लड़की घर से अपने सर्टिफिकेट और आधार कार्ड लेकर नौकरी अप्लाई करने के लिए चली गई लेकिन वापस नहीं आई। उन्होंने कहा कि लड़की के लापता होने के बाद उसकी तलाश में वे इमेज अस्पताल में जाकर आए हैं लेकिन उनकी लड़की का कुछ पता नहीं चला, इसलिए उन्होंने पुलिस प्रशासन से मांग की है कि जल्द से जल्द उनकी लड़की की तलाश की जाए। वहीं दूसरी तरफ SHO कोतवाली परमिंदर सिंह ने बताया कि लड़की के घर वालों के बयानों के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है, टेक्निकल तरीके से लड़की की तलाश शुरू की है, जल्द ही लड़की को ढूंढकर अभिभावकों के हवाले किया जाएगा। एक लड़की हरप्रीत कौर हैगी है, इन्होंने घर दे ने कंप्लेंट दिती है कि वह घरों चली गई है, मिसिंग हैगी है, फोन केड़ा बंद आ रहा। इस संबंध में घरदियां नूं ਕਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀ ਬੰਦੀ ਕਾਰ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਟੈਕਨੀਕਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਦਾ ਫੋਨ 'ਤੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਣ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੁਛ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਹੈ, ਕਹਿ ਕੇ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਾਲ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਚੱਲੀ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਕੁਛ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਆਈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਫੋਨ ਬੰਦ ਆ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਸੋਂ ਮਾਮਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਤਲਾਸ਼ ਇਹ ਆਪਦੀ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਨਾ ਵਾਪਸ ਆਉਣ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੁੜੀਆ 17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪੌਣੇ 11 ਵਜੇ ਘਰੋਂ ਗਏ ਸੀ ਇਹ ਮੱਚ ਉਹ ਘਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਕਾਗਜ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਉੱਥੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਸੀਗੀ ਜੀ, ਉਹ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜੀ। ਕਾਹਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਗਏ, ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਕਿਨਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਨੌਕਰੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਦੀ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਡੈਡੀ ਦੀ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ। ਕਿਹਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕੋਈ ਜਾਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਵੈਸੇ? ਉਹ ਲੜਕੀ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਲੜਕੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਹੈ ਮੇਰੀ ਲੜਕੀ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਤੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਫੋਨ ਦਾ ਸਵਿੱਚ ਔਫ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਰਦਰ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਮਹੱਲਾ ਨਿਵਾਸੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਸੱਜਣ ਨੇ ਉਹ ਭਾਈ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਥੇ ਸਿਟੀ ਕੋਤਵਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ SHO ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਵਾਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। उत्तर भारत में ठंड ने एकदम जोर पकड़ लिया है और मैदानी इलाके में सबसे अधिक ठंडे माने जाते अमृतसर में इस ठंड का काफ़ी असर देखने को मिल रहा है।
इस ठंड के कहर में घनी धुंध आने के कारण सड़कों पर यातायात बुरी तरह से प्रभावित हुआ है और वाहन चालकों को अपने वाहनों की लाइटें चलाकर चलना पड़ रहा है। वहीं इस ठंड का श्री हरिमंदिर साहिब में दर्शन करने के लिए आने वाली संगतों की श्रद्धा और उत्साह पर कोई असर देखने को नहीं मिल रहा और देश के अलग अलग हिस्सों से संगतें आम दिनों की तरह ही गुरु घर के दर्शनों के लिए पहुंच रही हैं। तो वहीं धुंध के कारण ठिठुर रहे लोगों को सड़कों पर चलना मुश्किल हो गया है और आवाजाही कम हो गई है। तो वहीं रेलगाड़ियों की रफ्तार भी धुंध के कारण धीमी हो गई है। इस कड़ाके की ठंड से बचने के लिए लोग आग और बिजली के हीटरों का सहारा ले रहे हैं। तो वहीं सचखंड श्री दरबार साहिब में नतमस्तक होने आई संगतें अपने आप को बहुत ही खुशकिस्मत मान रही हैं। उनका कहना है कि यहां आकर उनके मन को बहुत शांति मिल रही है। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। नहीं मतलब अच्छा सीगा, पहला तो जो एंटर हो टाइम एक डेढ़ घंटा हो गया सानू, लेकिन जो एंटर हुए थे कुछ मतलब दिख ही नहीं रहा सीगा, सब खाली जा ही सीगा। तो हम वेट कर रहे थे कि दिखे हरिमंदर साहब, रात ही आए थे पहला, रात का व्यू अलग होंगे, दिन का वो मिसेज पहली बार आए थे मेरे, तो उन्होंने देखना सीगा कि रात दिन का व्यू किदा का होंगे पूरा। मनोहर वाटिका पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल जंडियाला गुरु में वार्षिक समागम का आयोजन किया गया जिसमें कैबिनेट मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इस समागम का शुभारंभ कैबिनेट मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ, उनकी माता सुरिंदर कौर, पत्नी सुहिंदर कौर और सीए सुनील सूरी ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस मौके पर स्कूल के डायरेक्टर सुरेश कुमार, प्रिंसिपल सविता कपूर, निशा जैन, मैडम पारुल, रोजप्रीत और स्कूल के सभी अध्यापकों ने आए हुए मेहमानों का स्वागत किया। वहीं प्रोग्राम की शुरुआत बच्चों ने गणेश वंदना से की, जिसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पेश किया गया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ ने अपने संबोधन में स्कूल की शिक्षा व्यवस्था और अध्यापकों की प्रशंसा भी की। इस दौरान गणमान्य व्यक्तियों की ओर से विजेता रहे बच्चों को पुरस्कृत भी किया गया। अंत में डायरेक्टर सुरेश कुमार ने वार्षिक रिपोर्ट पढ़ी और मुख्य मेहमानों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित भी किया। जंडियाला गुरु से हलचल के लिए अश्विनी शर्मा की रिपोर्ट। ये चीफ गैसट जोड़े थे और भजन सिंह जी ई टी ओ कैबिनेट मिनिस्टर पंजाब से, जोड़े गैसट ऑफ ऑनर से सी ए सुनील सूरी जी से। यह जोड़ा फंक्शन है ये कोविड तो बाद असी पहली बारी करवाया और ये मापिया ने काफ़ी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, काफ़ी मापे इस फंक्शन के आए हैं और असी बड़े धन्यवाद करते हैं मापिया का और जोड़े साढ़े चीफ गैसट है उन्होंने भी बहुत धन्यवाद करते हैं, गैसट ऑफ ऑनर का भी बहुत धन्यवाद करते हैं। पंजाब सरकार की ओर से पंजाबी भाषा को राज्य में प्रफुल्लित करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, जिसे लेकर हर एक अधिकारी सड़कों, निजी विभागों और कार्यालयों के साइन बोर्ड पर पंजाबी में लिखना लाजमी होगा, जिसे लेकर बठिंडा के डिप्टी कमिश्नर शौकत अहमद की ओर से एक प्रेस वार्ता की गई, जिसमें उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार द्वारा आदेश दिए गए हैं कि 21 फरवरी 2023 तक हर एक सड़क, निजी विभाग और अधिकारियों के साइन बोर्डों पर दूसरी भाषाओं के साथ साथ पंजाबी भाषा को सबसे ऊपर लिखना जरूरी होगा। जो भी इन आदेशों की पालना नहीं करेगा उसे जुर्माना भी हो सकता है। पंजाब राजभाषा एक्ट 1967 का जड़ा बनिया होया है, उदे विच ए मैंडेटरी किया गया होया है कि जिन्हें भी बोर्ड साइन बोर्ड्स लगते हैं, जिन्हें भी ना आप सरकारी दफ्तर लिखते हैं या सरकारी दफ्तर के ना जोड़े होंगे या फिर चाहे निजी इदारे हों, चाहे गैर सरकारी इदारे हों, चाहे वह दुकान हों, उत्थे जो भी बोर्ड लगेगा उसते सब तो उपर पंजाबी भाषा विच उहदा नाम लिखा होना चाहिए। उस तो बाद वो होर किसी भी होर लैंग्वेज में, किसी होर भी जुबान में जो उन्होंने लगती हैगी है कि इतने उन्होंने क्लाइंट आते हैं या फिर उन्होंने जोड़े गाहक है वह आते हैं, उन्होंने वो वाली भाषा भी समझ आती है, तो वह दो भाषाओं में वो अपनी मर्जी नाल उत्थे वो लिख सकते हैं। सरकार की तरफों हुण आदेश होए ने कि ये जड़ा भी बोर्ड्स वगैरह है इन्हों दोबारा तरीके नाल राजभाषा एक्ट के हिसाब नाल गुरमुखी लिपि के पंजाबी लिखते हुए ये 21 फरवरी तो पहला ये सारा जड़ा है वो कंप्लीट कराना है।
बठिंडा के ढाबा रोड पर स्थित वेरका मिल्क प्लांट के लगभग 300 कच्चे कर्मचारियों की ओर से प्लांट के बाहर दरियां बिछाकर मैनेजमेंट के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मैनेजमेंट द्वारा लगातार कच्चे कर्मचारियों को तंग परेशान किया जा रहा है, उनकी ओर से उनकी सैलरी में से पैसे काटे जा रहे हैं। अगर कोई विरोध करता है तो उसे गेट से अंदर नहीं जाने दिया जाता। मैनेजमेंट की इस मनमानी के खिलाफ उनकी ओर से यह रोष प्रदर्शन किया जा रहा है। अगर मैनेजमेंट ने अपना व्यवहार ना बदला तो वे संघर्ष और तेज करेंगे और अनिश्चित काल के लिए मिल्क प्लांट को बंद कर देंगे। असीं वेरका मिल्क प्लांट पंजाब यूनियन दे वल्लों 20 तरीक दे इक दिन धरने ते कट कीता, संघर्ष दा ऐलान कीता। साडा 15-16 तरीक दा समूहिक छुट्टी दा ऐलान सीगा। उदों साडे नाल इन्हां ने लिखती मैनेजमेंट ने लिखती मंगां मान लईआं सीगीआं, पर ओह मंगां एक लारे सानू बारी बारी वह मंगा पूरिया कराने लारे ला रहे हैं। साडा एरियल बकाया पिया, हजे साडा बोनस की अदायगी पई आ। साडा प्लांट दे विच कोई भी मंगा पूरिया इन्होंने ना होने करके असी एक दिन संघर्ष का ऐलान किया। जे ये हुण भी साडिया मंगा पूरिया नहीं करते तो असी अगले संघर्ष लिए बिल्कुल तैयार हैं। संघर्ष कला बठिंडे प्लांटा जिन्ना जिन्ना प्लांटा दंगा पूरिया हो गई उन्हां प्लांटां दीआं गेट रैलियां कीतीआं ने, जिन्हां दे नाल धक्केशाही ज्यादे होई आ उन्हां दा पूर्ण तौर ते बंद दा उत्पादन बंद आ। बिल्कुल जी, उत्पादन साडे वल्लों पूरे दे पूरे साथी बाहर बैठे ने ते साडी मैनेजमेंट बहुत ज्यादे धक्केशाही करदी आ। शहीदी जोड़ मेले के दौरान गांव सहेडो से निकलने वाले विशाल नगर कीर्तन के दौरान रास्ते में संगत को कोई परेशानी न पेश आए, इसे लेकर एसडीएम अमरीक सिंह संधू और प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा श्री विश्वकर्मा चौक और इस पूरे रोड का दौरा किया गया और जायजा लिया गया। इस दौरान उनके साथ तहसीलदार मनमिंदर सिंह, एसएचओ सिटी गुरप्रीत सिंह और प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। फिरोजपुर की CNN चर्च और इलाके के समूह ईसाई भाईचारे के सहयोग से फिरोजपुर छावनी में शोभा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें ईसाई भाईचारे ने बड़ी संख्या में पहुंचकर भाग लिया। इस दौरान जगह जगह स्वागती गेट सजाकर और लंगर लगाकर एवं पुष्प वर्षा कर लोगों ने इस शोभा यात्रा का भव्य स्वागत किया। ये शोभा यात्रा फिरोजपुर छावनी से शुरू होकर शहर के बाजारों से होती हुई फिरोजपुर शहर के चर्च में जाकर संपन्न हुई। इस मौके पर फिरोजपुर से विधायक रजनीश दहिया ने विशेष रूप से इस शोभा यात्रा में शामिल होकर लोगों को शुभकामनाएं भी दी। उन्होंने कहा कि यह सबसे बड़ी शोभा यात्रा निकाली गई है जिसमें सभी धर्मों के लोगों ने सहयोग दिया है। उन्होंने आपसी भाईचारे और प्रेम का संदेश देते हुए सबका धन्यवाद भी व्यक्त किया। फिरोजपुर से हलचल के लिए मनजीत सिंह की रिपोर्ट। CNN जड़ी चर्च हैगी है फिरोजपुर छावनी कैंट सिटी और फिरोजपुर देहाती दे समूह संगतों वालों प्रभु यशु मसीह जी दे क्रिसमस त्यौहार को लैके एक बहुत विशाल शोभा यात्रा कढ़ी जा रही है। और इस शोभा यात्रा दे विच मैं वेख्या अज तक इन्नी जड़ी गिनती है अज तक किसी भी शोभा यात्रा विच नहीं देखी। लोग बहुत प्यार दे रहे हैं, सम्मान मिल रहा है और मैं अज बड़भागी हाँ कि प्रभु यीशु मसीह जी ने अज मैनू इस शोभा यात्रा विच शामिल होने का मौका दिता। अज मैं उन्होंने चरणों के नतमस्तक हाँ और मैं उन्होंने चरणों के यही अरदास करता, मैं दुआ करदा कि वो अपनी रहमत पूरे संसार के उत्ते बरसाते रहन और प्रभु का नाम लेवा जिनी भी संगत है और दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे। अज इस खुशी के दिहाड़े ते मैं सारी संगत नूं मैरी क्रिसमस और नवे साल दियां लख लख बधाई दिंदा। और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नज़र फिर से। जालंधर अमृतसर मुख्य मार्ग पर ब्यास बस स्टैंड के नजदीक घनी धुंध के कारण चार वाहन आपस में टकराए, एक व्यक्ति की मौत। जालंधर कमिश्नरेट थाना 6 की पुलिस ने कुख्यात लुटेरा चेतन उर्फ मोटा को किया गिरफ्तार, 2 आईफोन सहित 8 मोबाइल किए बरामद। बठिंडा की आवा बस्ती में नशे की ओवरडोज की वजह से एक नौजवान मिला बेहोश, सहारा जनसेवा के कार्यकर्ताओं ने अस्पताल में करवाया भर्ती। के साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।